नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त होस्ट अनुराग। देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, ये स्टॉक आपको कभी भी स्प्लिट बोनस डिविडेंड दे सकता है, क्योंकि वाकई शानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। और अभी तक किसने, अभी पिछले 10 साल पहले भी किसी ने इसमें 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो वो 1 लाख रुपये आप समझते हो कितना हो गया होता? मैं आपको दिखा दूंगा वो कितना हो जाता, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों का 48% का है। स्टॉक प्राइस CAGR का मतलब आप समझो, आपकी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न। यदि आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग हर तरह से तो अपडेट होते हैं, आपका मोबाइल भी 3 महीने में अपडेशन मांगता है, लेकिन आप अच्छी जॉब करते हो, अच्छी जगह पे हो, लेकिन अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। लोग FD और RD के पीछे भाग भाग के करते हैं, क्या सेफली देखना चाहते हैं। और FD RD आप जहाँ पे LIC करते हो, वो LIC भी स्टॉक खरीद के ही पैसे जो है बनाती है और आपको उसमें फ़ायदा देती है, वो फायदे 10 गुना कमाती है और आपको उसका थोड़ा सा अंश दे देती है। ये स्टॉक भी आपको मैं दिखाता हूँ, यदि 1 लाख रुपये 10 साल पहले इसमें आपने डाला होता तो आज ये पैसा आपका कहाँ होता, बता दो कितना हो जाएगा? 50 गुना होता। और आप 10 साल पहले यदि कोई आपने FD कराई होती ना, तो 10 साल में वो दुगुना होती, 1 लाख का 2 लाख होता। तो देखिए, स्टॉक मार्केट को लोगों ने गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म बना रखा है, क्योंकि इंट्राडे करते हैं, लॉस बहुत होता है। ऐसा कुछ नहीं, मेरा मानना है कि यदि आप इंट्राडे के लिए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को मत देखिए, ना ही सुनिए, ना ही। और सिर्फ यदि आप शार्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के आते हैं तो बेहतरीन है। शार्ट टर्म का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप मेरे कहने से 6 महीने और 3 महीने और 1 साल का नज़रिया बना के स्टॉक में रुकिए। 6 महीने में ही आपको 50% का गेन दिख जाएगा और 100% का गेन दिखता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 200 क्वांटिटी ले ली और वहाँ पे स्टॉक डबल हो रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट वहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट का 100 शेयर छोड़ दीजिए लंबे समय तक के लिए। जब आपका वहाँ कुछ नहीं लगा रहेगा तो आपका इमोशन वहाँ पे नहीं लगेगा, टच नहीं करेगा, क्योंकि जब आपका पैसा लगा होता है तो इमोशन टच होता है कि अरे गिरावट हो रही, तो आपको लगेगा कि यार लॉस हो रहा है, और बढ़ेगा तो आपको लगेगा बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस वजह से आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, 6 महीने का 1 साल का नजरिया बना के रखिए। जब आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक वो लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सकते हैं। फिलहाल आते हैं इस स्टॉक पे, ये स्टॉक है कौन सा। देखिए, मेरा मानना है कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, क्वालिटी ज़्यादा मायने रखती है। और आपको भी अच्छे से पता है कि क्वालिटी की कुछ बात ही अलग होती है। अब ये स्टॉक क्वालिटी स्टॉक शेयर है और लगातार इसने कभी भी अपने निवेशकों को धोखा नहीं दिया, इसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया और इस स्टॉक को हर गिरावट में खरीदिए, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इस चीज़ को समझिए। अब इसकी पोर्टफोलियो, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास आप देखेंगे तो 44.81%, और फिर वही थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती ही चली गई, घटाया नहीं। जून में भी आप देखें ना 44.93% है, मतलब कि लगभग 45% है। FIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, देखिए मार्च 2021 में 9.48 था, अब 10.27% की हो गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे DIs म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग 22% के आसपास रखी, पब्लिक के पास में भी लगभग 22.5% के आसपास में। तो आप देखेंगे ना तो शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार दिख रहा है, बेहतरीन दिख रहा है। प्रमोटर के पास माल है, FIs ने बहुत अच्छा पैसा लगा रखा है, म्यूचुअल फंड वालों ने बहुत अच्छा पैसा लगा रखा है। आगे देखते हैं, देखिए स्टॉक का नाम आप देख के जाके आप ये मत समझो कि स्टॉक का नाम देख लिया तो सब कुछ। मेरा मानना है कि मोर लर्न मोर अर्न, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे होते जाओगे। देखिए, सीखना बंद नहीं करना है। आप ये मत सोचो कि आपने 10 साल स्टॉक मार्केट में दे दिया या 15 साल दे दिया तो आप बहुत बड़े नॉलेज वाले हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगातार सीखना होता है, क्योंकि मेरा मानना है परफेक्शन, जिस दिन आपको लगा कि यार मैं सब कुछ सीख गया, परफेक्शन जिस दिन आ जाएगा, इंग्लिश में कहावत है परफेक्शन इज पैरालिसिस, जब आपको लगता है ना कि मैं बिल्कुल सीख गया हूँ, उसी दिन आपको लकवा लग जाएगा। तो 100% स्टॉक मार्केट को सीखिए, मैं जो भी है मेरे पास वो देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं फ्री में पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। और ये बोलोगे कि क्यों फ्री में पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं सर, क्योंकि मैं सिर्फ, मुझे शुरुआत दौर था आज से करीब 14-15 साल, तो इंदौर वाले और भोपाल वालों ने, एक MP में ऐसी जगह है जहाँ उन्होंने बदनाम कर रखा है पूरा, वो 5,000-10,000, और आज भी बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल वाले हैं जो 20,000-25,000-30,000 रुपये आपसे चार्ज करते हैं पोर्टफोलियो मैनेज का। तो मैंने टारगेट बना रखा है कि मैं लाइफ टाइम में कोई भी चार्ज नहीं लूँगा और फ्री आप कास्ट पोर्टफोलियो मैनेज करूँगा, जितनी हो सकती है फ्री में सर्विस देंगे। मेरे पास नॉलेज होगा तो यार मैं स्टॉक मार्केट से कमा लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है आपसे फीस लेने के लिए, ठीक है ना। और मैं बहुत ही नॉर्मल, बचपन मेरी पढ़ाई हुई थी, ये सब चीज़ें इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि आप मुझे समझ सके कि मैं क्या है। आप बोलोगे सर स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हो और अपनी कहानी बता रहे हो, रीज़न क्या है कि मैंने एजुकेशन
जो होता है ना विद्या, हिंदी में उसको बोलते हैं एजुकेशन को विद्या, उस पर एक एस्से लिखने को आया था। उसमें यही था कि भाई आप अपना विद्या जब भी आप बांटते हो तो बढ़ती है, तो वही मेरा सब काम है कि भाई बांटना है, फ्री में देना है। और आप उठा के देख लो जितने भी वीडियो हैं पिछले 6 महीने से, 1 साल, जब से स्टॉक मार्केट में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उन्होंने कितना अच्छा गेन दिया है। और आपको फिर अच्छा लगे तब मेरे स्टॉक, तब मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं, डे टू डे मैं लगातार कंपनी का दिखाता हूँ कि भाई जब कंपनी अपना माल अभी अपने सप्लायर को देगी तो कितने दिन में उसके पास पैसे आ जाते हैं। आप देखो 72 डेज़ में, पहले 64, अब 72, मतलब कि लगभग 2 सवा 2 महीने में इनके पास पैसे आ जाते हैं, तो जो भी माल अपना सप्लाई करते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। मार्च 2021 में 21 करोड़ का है। और उसके साथ में यदि आप रिजर्व बोरोइंग की बात कर लीजिए तो कंटिन्यू इनका रिजर्व बढ़ा है। मार्च 2010 में इनका रिजर्व 458 करोड़ का था और अब रिजर्व उठा के देखेंगे 3,797 करोड़ का। और बोरोइंग नाम मात्र है 127 करोड़, ये कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि रिजर्व इससे कई गुना ज़्यादा आप देख ही रहे हो। रिजर्व वो पैसा होता है जिससे कंपनी रिजर्व सरप्लस से कंपनी बोनस दे देती है, स्प्लिट दे देती है। और उसके साथ में आपको बता दें कि है क्या कि ये रिजर्व जब कंपनी का बढ़ता है तो एक अच्छा साइन माना जाता है कंपनी के लिए। और बोरोइंग का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं क्योंकि 127 करोड़ का है। आगे आप यहाँ पे देख लो थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 10 सालों में 19% का है, 5 सालों में 18% का, 3 सालों में 19% का, फिर लास्ट ईयर 18% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों का 22% का, 5 सालों में 18% की, 3 सालों में 32% की। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की है तो 10 सालों में 9% का कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, 5 सालों में 8% का है और अभी 2% का है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में 48%, 5 वर्षों में 35%, 3 वर्षों में 49%। आप देख रहे हो लगातार, यदि किसी ने 3 साल पहले भी निवेश किया होगा तो उनको 49% का CAGR के तहत रिटर्न मिला है। स्टॉक प्राइस CAGR स्टॉक में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा 10 वर्षों में, आप 48% देख रहे ना, मैं SIP कैलकुलेटर से आपको दिखा दूंगा कि क्या हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इनका क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट, ये ईयरली रिजल्ट है। अब आप देख लीजिए यहाँ से मार्च 2018 से ही आप देख लो, मार्च 2018 में इनका जो सेल्स था 3,514 करोड़ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 505 करोड़ था, नेट प्रॉफिट इनको 276 करोड़ हुआ। मार्च 2019 की बात करिए, इनका सेल बढ़ गया 4,038 करोड़ हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ गया 768 करोड़ हो गया, नेट प्रॉफिट 432 करोड़ हो गया। मार्च 2020 की बात करिए तो इनका फिर सेल बढ़ा 4,093 करोड़ का हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ गया 902 करोड़ और सेल नेट प्रॉफिट भी 666 करोड़ का हो गया और EPS भी कंटिन्यू बढ़ा। अब मार्च 2021 की बात किया जाए तो थोड़ा सा सेल डाउन हुआ 3,731 करोड़, लॉकडाउन वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, लेकिन प्रॉफिट इनका बढ़ा, एक्सपेंस इन्होंने कम किया, प्रॉफिट 918 करोड़ हो गया और प्रॉफिट फिर वहाँ पर भी 656 करोड़ के आसपास ही रहा, तो एक एवरेज में ही रहा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपने ईयरली देखा बेहतर करती जा रही है कंपनी लगातार, क्वार्टरली की बात कर लिया जाए तो क्वार्टरली अभी इनका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है सितंबर का, तो सितंबर से ही कंपेरिजन कर लेते हैं। सितंबर 2020 की बात किया जाए तो लॉकडाउन भी था, सेल 102 करोड़ का, 1002 करोड़ का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 261 करोड़, नेट जो इनका नेट प्रॉफिट आया वो भी आप देख लीजिए 174 करोड़ का हुआ। फिर दिसंबर 2020 में थोड़ा सा सेल डाउन हुआ 953 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 243 करोड़ का और सब कुछ कट पिट के इनके पास 189 करोड़ का सेल प्रॉफिट आया। अभी जून में देखा जाए ना तो जून में भी इनका 1,080 करोड़ का सेल हुआ है और नेट प्रॉफिट 166 करोड़। मुझे 100% ये उम्मीद है कि सितंबर का जो रिजल्ट आने वाला है उसका प्रॉफिट यहाँ से बहुत अच्छा होगा, 200 करोड़ के आसपास होगा मुझे लगता है। तो ये स्टॉक में ज़बरदस्त रैली आने वाली है, अब ध्यान दीजिएगा। और अभी ये हर गिरावट में इस स्टॉक को खरीदी और अब ये किस सेक्टर कंपनी, केमिकल सेक्टर की कंपनी, और केमिकल सेक्टर में भी टॉप वन की कंपनी अतुल लिमिटेड की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और ये स्टॉक PV आप देखेंगे ना ठीक ठाक है 44.92 और इसका करंट प्राइस 10,687, ये कल का है, आज का मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट कैप इनका 31,622। देखिए क्वालिटी पे जाइए ना कि क्वांटिटी पे, कि आप 2,000 क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी आप ले लो और स्टॉक पेनी स्टॉक हो और उसका फंडामेंटल अच्छा ना हो, बैलेंस शीट अच्छा ना हो, तो ऐसा नहीं, आप 5 लो लेकिन अच्छे लो और ये 5 स्टॉक आपको एक ही साल में डबल का हो। और मेरा टारगेट बहुत ऊपर है, मैंने आपको बता दूं ये टारगेट मेरा 20,000 का है। यदि स्टॉक स्प्लिट यहाँ से और नहीं हुआ और या कंपनी ने बोनस नहीं दिया, स्प्लिट का मतलब होता है जो फेस वैल्यू होता है 10 की जगह 1 कर देंगे तो जिनके पास 100 शेयर उनको 1,000 शेयर मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं, कंपनी जो ऑलमोस्ट डेथ फ्री पॉजिटिविटी में दिखा है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 18.38 CAGR लास्ट, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा ये देखो कंपनी का, यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो होगा क्या कि आपका ये जो 200 DMA है आप देख रहे हैं ना, 200 DMA से ऊपर, काफ़ी ऊपर चल रही है कंपनी।
अभी ये कंपनी आप देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है। यदि मैक्सिमम चार्ट भी आप इसका लगाते हैं तो भी आपको देखेंगे ये चार्ट लगातार अप ट्रेंड में है। ऐसी कंपनियों में ही पैसे डालने चाहिए और जब भी गिरावट आए माल आपको उठाते जाना चाहिए। तो आप जब भी इसमें गिरावट देखें या आप एक एक क्वांटिटी करके भी उठा सकते हैं क्योंकि काफ़ी महंगा शेयर है। और आप देखेंगे तो ये फेस वैल्यू इसका 10 है। तो स्प्लिट का मतलब कि यदि कंपनी अपना फेस वैल्यू 1 करेगी तो यदि आपके पास 1 शेयर है तो 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। यदि आपके पास 10 शेयर है तो 10 शेयर के बदले आपको 100 शेयर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 24% का बेहतरीन दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का है, वो भी ठीक ठाक दिख रहा है। बुक वैल्यू 1293 रुपये का है, वो भी बेहतर है। इसका हाई 10,975 रुपये का है, लो 5,755 रुपये का है। तो सबसे बड़ी चीज़ और एक चीज़ आपको देखो NSE/BSE में लिस्टेड है और 31,622 करोड़ की कंपनी है और लगभग लार्ज कैप सेक्टर में आ जाती है। और इसका ये करती क्या है कंपनी आपको बता दें, कंपनी कई केमिकल्स बनाती है। अतुल लिमिटेड इज डाइवर्सिफाइड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन केमिकल्स कंपनी है, पार्ट ऑफ लाल भाई ग्रुप गुजरात की ये कंपनी है। बेहतरीन कंपनी है, मैंने वेबसाइट पे इसके आप जाके इसकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। ज़बरदस्त इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लाइफ टाइम डिमांड ख़त्म ही नहीं सकती है। कई सेगमेंट में ये केमिकल्स अपने सप्लाई करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ मैंने दिखा था कि स्टॉक का जो CAGR था, आप इसमें देखेंगे ना CAGR, आज से 10 साल पहले भी आपने इसमें पैसे डाले होते, 1,00,000 रुपये डाल दिए होते तो कितने हो गए होते, मैंने दिखाया था 48% का। देखिए ये आप देख रहे हैं ना 48% का। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ SIP कैलकुलेटर से ये क्या हो सकता था। तो SIP कैलकुलेटर में हम जाएंगे और SIP कैलकुलेटर मैंने पहले लगा रखा है, देख रहे हैं 1,00,000 रुपये हमने डाला और उसको 48% के CAGR की वजह से यदि आप देखेंगे ना तो 1,00,000 रुपये आपका 50,42,000 हो जाता, 50,42,000। तो आप समझो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप FD से RD से निकल के आप म्यूचुअल फंड में आप आइए, आप स्टॉक मार्केट में आइए। और उसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो करंट प्राइस है 10,729 रुपये अतुल लिमिटेड का है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे ध्यान दीजिए, एक और आपको सीक्रेट मैं बताना चाहूँगा। देखिए मार्केट कैप इनका 31,745 करोड़, लेकिन मार्केट में इनके कितनी क्वांटिटी शेयर है देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप 2,95,87,052 करोड़ है। तो 2 करोड़ है ना, आप समझ रहे हो ना, तो क्वांटिटी कम है, इस वजह से स्टॉक का प्राइस भी भाग रहा है क्योंकि EPS जब बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से ये भागता है। EPS इनका देख रहे हो ना, ये EPS आप देख लीजिए 237.91 का है। और यही बहुत बड़ा साइन दिख रहा है कि ये स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है फ्यूचर में और इसमें बोनस भी दे सकती है कंपनी, क्योंकि ये टूटेगा तभी रिटेल निवेशक और खरीद सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और बीच में कुछ त्रुटियां हो गई तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और चैनल में बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक करो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर मैं कहूँगा तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।